कपिल मिश्रा तो चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी बीजेपी जबरदस्त तरीके से जुटी हुई है। जी हां, जीत की गुंज कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। ऐसे कई चुनाव आए जिसमें लगता है कि मामला फंसा हुआ है। जब जब हमारे कमांडो ने कमान संभाली तब तब बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। इस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के मोड में गृहमंत्री अमित शाह नजर आए और चुनावी जंग में दिल्ली के इस दंगल में अपनी बात रखी। चुनाव प्रचार प्रसार में बीजेपी एड़ी चोटी के जोर के साथ जुटी हुई है। मनोज तिवारी की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ताल ठोंकी और इस तरह से बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हुआ है। एक एक कार्यकर्ता जन जन तक अपनी पहुंच बनाने के साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल को करने की कोशिश कर रहा है। करे भी क्यों ना, क्योंकि 21 साल का जो सूखा पड़ा हुआ है उसे अब बीजेपी हर हाल में खत्म करना चाहती है। और इसी तरह से इसी कड़ी में अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और चुनावी प्रचार प्रसार में अमित शाह कमर कसते हुए जुटे हुए हैं। जीत की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद शामिल होने पहुंचे और इस तरह से उन्होंने कहा कि ऐसे कई दफा चुनाव सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने जब जब मामला फंसा हुआ नजर आया, लेकिन जैसे ही बीजेपी के कमांडो ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश के साथ मैदान संभाला तब तब बीजेपी को जीत हासिल हुई। और एक बार फिर से इसी कोशिश के साथ हम चुनावी अखाड़े में। पांच साल पहले आया था, आपने जगदीश प्रधान जी को विधायक बनाकर भेजा और ठीक है, मैं जगदीश प्रधान जी को लेकर आपके आशीर्वाद के लिए आपके सामने आया। मगर पांच साल के अंदर पूरे देश भर के अंदर परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, 5 साल में देश बदल दिया मोदी जी ने, मगर 5 साल में दिल्ली बदलने का अधिकार नहीं दिया। मोदी जी ने देश बदला, अब दिल्ली बदलना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद वालों बताओ, आप यहाँ मोदी जी की सरकार बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे क्या? तो 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार दिल्ली के विकास के लिए ढेर सारे कार्यक्रम भेजती रही, यहाँ पर आप पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं। मैंने मेरे जीवन में इतने झूठे वादे करने वाली पार्टी नहीं देखी है जितने आप पार्टी देखी है। मुजफ्फराबाद वालों, मैं आपको याद कराने आया हूँ, इन्होंने कहा था कि हम जीत जाएंगे तो 1000 स्कूल नए बनाएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाएंगे। मुझे बताओ, स्कूल बने हैं क्या भाई? जोर से बोलो, बने हैं? उन्होंने कहा था 50 कॉलेज बनाएंगे, एक भी कॉलेज मुजफ्फराबाद में नया खुला है क्या? उन्होंने कहा था हम बड़े बड़े 20 अस्पताल बनाएंगे, एक भी बनाया है क्या? इन्होंने कहा था 5000 डीटीसी की बस नहीं लेंगे, 300 बसे लेकर दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने निकले। जो इन्होंने कहा था 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, मैं अगली सभा से यहाँ तक आया, कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। रोड खड्डे अव्यवस्था ट्रैफिक, इन लोगों ने विकास का कोई नहीं किया। इन्होंने कहा था सारे अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई बना देंगे, नौकरी पक्की हुई है क्या भाई? हुई है? 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की दी है क्या? फ्री वाईफाई देते थे, उन्होंने कहा हम फ्री वाईफाई देंगे। मैंने तो शासन में कहा कि मैं प्रवेश के यहाँ गया, 30 मिनट गाड़ी चला कर गया, फ्री वाईफाई मिलता रहा, बैटरी घिस गई, मगर वाईफाई नहीं मिला।